हेलो एवरीवन, वेलकम टू मसाला दानी। आज हम बनाएंगे रेड चिली मोमो चटनी। ये चटनी मोमोज के साथ तो अच्छी लगती ही है, आप इसको बाकी डिशेस के साथ जैसे कि स्प्रिंग रोल्स, चाउमीन या ग्रिल सैंडविचेस के साथ भी रिलिश कर सकते हैं। सबसे पहले हमें रेड चिलीज को वार्म वाटर में सोक करना है करीब 10 मिनट के लिए। अब एक पैन में हमें इन रेड चिलीज को कुक करना है, साथ में डालेंगे एक छोटा प्याज। अगर आपको लगे तो थोड़ा पानी और डाल दीजिए और इसको कुक करिए जब तक कि चिली सॉफ्ट ना हो जाए। जब रेड चिलीज और प्याज ठंडा हो जाए तब इसको ग्राइंड कर लीजिए 2 टेबलस्पून ऑयल के साथ। अब हम वही पैन लेंगे और उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल, साथ में डालेंगे 1/2 इंच अदरक और 4 गार्लिक क्लव्स। जिंजर गार्लिक को ब्राउन नहीं करना है, हल्का पकाना है और फिर हम इसमें रेड चिली पेस्ट जो हमने बनाई थी उसे ऐड कर देंगे। अब डालिए थोड़ा सा नमक। टीस्पून शुगर, 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच व्हाइट विनेगर। कुक फॉर 2-3 मिनट्स एंड टेस्टी स्पाइसी रेड चिली मोमो चटनी इज रेडी। इफ यू लाइक दिस रेसिपी डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। Thank you for watching Masala Dani. Do subscribe, like and share.